बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से खबर मिल रही है कि बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को अब दिल्ली का भी प्रभार दे दिया गया है। दरअसल कई राज्यों के प्रभारी रामजी गौतम को दिल्ली की प्रभारी सौंपी गई है। इस वक्त चुनावी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित कई राज्यों के प्रभारी और कई राज्यों के प्रभार देख रहे रामजी गौतम को अब दिल्ली के प्रभारी पद पर भी नियुक्त किया गया है। रामजी गौतम को दिल्ली का मुख्य प्रभारी बनाया गया है। खबर ये मिल रही है कि पिछले दिनों रामजी गौतम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के अंदर उनके कार्यभार को अशोक सिद्धार्थ के साथ बांटा गया था। राजस्थान के अंदर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों के अंदर रामजी गौतम और अशोक सिद्धार्थ मिलकर कार्य देखेंगे। उसी तरीके से अब राजस्थान के साथ साथ रामजी गौतम को दिल्ली का भी प्रभार सौंप दिया गया है। अब कुल मिलाकर रामजी गौतम के पास कई राज्यों के प्रभार है, जिसके अंदर प्रमुख तौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना है और दिल्ली है। इसके अलावा भी कई राज्यों के उनके पास प्रभारी तौर पर पद है। रामजी गौतम इस वक्त राज्यसभा के एकमात्र बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के खास नेताओं के अंदर भी उनकी गिनती जाती है। खास तौर से भरोसेमंद नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। पिछले कई सालों से आपको बता दें कि रामजी गौतम लगातार बीएसपी के कद्दावर नेताओं में शुमार हो चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की जिम्मेदारी भी उन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले सौंपी गई थी। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ। आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।